Namaste and welcome to Hindi Classroom. Today we are going to learn the chapter Kya Nirash Hua Jaye, chapter 7 of NCERT textbook. Kya Nirash Hua Jaye is an essay written by Hazari Prasad Dwivedi. In this chapter, the writer explains about the present circumstance that prevail in our society. He urges us and encourages everyone to face the situation boldly. Through his own life experience, he conveys the message of hopefulness and says to the mind not to be disappointed. Let's look into the question answers of this chapter. The first question is, हमारे महान मनुष्यों के सपनों का भारत है और रहेगा। आपके विचार से हमारे महान विद्वानों ने किस तरह के भारत के सपने देखे थे, लिखिए। India is the dream of our great sages and it will remain to be. In your opinion, what kind of dream did they had? उत्तर, हमारे महान विद्वानों ने महान संस्कृति, सभ्य, सांप्रदायिक, सद्भाव, एकता तथा विभिन्न आदर्शों की मिलन भूमि वाले मानव महासमुद्र वाले भारत की कल्पना की थी। संस्कृति, which means culture, सभ्य means civilized, सांप्रदायिक, सद्भाव, it is communal harmony, ekta, which means unity, tatha vibhinna adarshom and various ideals ki milan bhumi vale manav mahasamudra vale. Milan bhumi means a land of union where all the culture met, and this was the imagination that our great sages had about our country India. Our next question is, आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए, लिखिए। How to be the India of your dreams, write. उत्तर, हमारे सपनों का भारत वैसे ही होना चाहिए। The India of our dreams should be like, जैसे हमारे पूर्वजों ने सोचा था। Just as our ancestors thought. इसके साथ हमारा भारत विज्ञान के क्षेत्र में पूर्ण विकसित तथा जीवन मूल्यों के नाम पर दुनिया में सबसे आगे होना चाहिए। With our country India fully developed in the field of science and to be a leading country in the world in the name of life values. Next question number 3, भ्रष्टाचार के विरुद्ध लोगों का आक्रोश क्या प्रकट करता है? What does the anger of the people against corruption reveal? उत्तर, भ्रष्टाचार के विरुद्ध लोगों में व्याप्त आक्रोश यह प्रकट करता है कि लोग उसे समाज से दूर करना चाहते हैं। The anger prevailing among the people against corruption shows that people want to remove it from the society. वे इसे गलत समझते हैं। They get it wrong. गलत तरीके से कमाए धन और मान की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं। They wanted to reduce the prestige of wrongly earned money and fame. Question number 4, क्या निराश हुआ जाए पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है? What do you learn from the lesson what to be disappointed? उत्तर, इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि This lesson teaches us मानवीय मूल्य भले ही दब गए हों, that human values may be suppressed, पर उन्हें बनाए रखते हुए हमें आशावादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। But we should adopt an optimistic approach while maintaining them. वर्तमान परिस्थिति में भी हमें निराश नहीं होना चाहिए। We should not be discouraged even in the present situation.
क्वेश्चन नंबर 5, हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुनी कम, कारण बताइए। एवरी मैन सीम्स गिल्टी मोर एंड क्वालिटी लेस, गिव रीजन। उत्तर, जो व्यक्ति समाज के लिए कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। द पर्सन हु डज समथिंग फॉर द सोसाइटी, पीपल ऑलवेज फाइंड फॉल्ट इन इट। उसके सारे गुण भूल दिए जाएंगे और दोषों को बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। एंड ऑल हिज वर्च्यूज विल बी फॉरगॉटन एंड द फॉल्ट्स विल बी एक्सैजरेटेड। इसलिए हर आदमी दोषी अधिक और गुणी कम दिख रहा है। दैट्स अ रीजन व्हाई पीपल आर फाउंड मोर गिल्टी एंड लेस वर्चुअस। क्वेश्चन नंबर 6, दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है? दोष मीन्स फॉल्स, पर्दाफाश मीन्स रिवील। When does the exposure of faults becomes bad? उत्तर, दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है, लेकिन It's not bad to expose faults, but दोषों को उद्घाटित करके उसमें रस लेना उचित बात नहीं है। Taking pleasure in exposing the faults is not a proper thing. हमें दुनिया के अच्छे आदर्शों को भी उजागर करना चाहिए। वी शुड ऑल्सो फॉलो द गुड आइडियल्स ऑफ द वर्ल्ड एंड इट शुड बी एक्सपोज्ड। दोषों का पर्दाफाश करने के पीछे लोग कल्याण की भावना होनी चाहिए। द मोटिव बिहाइंड द एक्सपोजर ऑफ फॉल्स शुड बी अबाउट पीपल्स वेलफेयर। क्वेश्चन नंबर 7, जीवन के महान मूल्यों के प्रति लोगों की आस्था ही हिलने लगी है, क्यों? द फेथ ऑफ द पीपल टूवर्ड्स द ग्रेट वैल्यूज ऑफ लाइफ इज स्टार्टिंग टू शेप, व्हाई? उत्तर, ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और बोले वाले श्रमजीवी पिस रहे हैं। द इनोसेंट पीपल who earn a living by working hard are being crushed. और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। Whereas those who lie and cheat others are flourishing soon. ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। Honesty is considered to be a synonym of stupidity. इसलिए जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी है। सो द पीपल्स फेथ अबाउट द ग्रेट वैल्यूज ऑफ लाइफ इज स्टार्टिंग टू शेक। क्वेश्चन नंबर 8, लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इसका क्या कारण हो सकता है? The author has admitted that people has cheated him. Yet he is not disappointed. What do you think could be the reason for this? लेखक द्वारा इस तथ्य को स्वीकार करने के बाद भी उसने लोगों से धोखा खाया है। तथ्य means fact. Even after accepting this fact, the author has been cheated many times. फिर भी वह निराश नहीं, but he is not disappointed, क्योंकि लेखक जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति है। Because the author is a person with an optimistic outlook. Hope this video was informative. Thank you for watching. Please do share and subscribe the channel.